55 चाहिए बटालियन जियोग्राफी की थी, और सब हमारे छुट्टी गए थे, पहले भी देख में आए थे, उसके बाद 20 दिन और बढ़ाए थे साहब ने किसी काम की वजह से। तो कल हमें भी शाम को पता चला कि कुछ घटना घट गई है साहब के साथ, तो जिस वजह से हम आज सुबह हमें आना पड़ा आज। जो हमारे साथ और साहब के साथ बहुत अच्छे लिंक थे, बहुत बढ़िया काम थे, सब जगह काम करते थे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी किसी का। तो बाकी तो किसी के ऊपर कोई जोर चलता नहीं इस काम में, जो हुआ होगा, जो जिस काम से हुई है बात वो हो ही रहेगी, बाकी आपके सामने ही है जैसे है चल रहा चल रही। कौन सी यूनिट में काम करते थे हमारे? 155 इन्फेंट्री बटालियन टी जे क्राइफ, इस टाइम ड्यूटी कहाँ थी इनकी? इनके इस टाइम ड्यूटी थी रजौरी में। मेरा नाम एक्स हवलदार चरणजीत सिंह, जो सूबेदार अर्जन सिंह है, ये मेरा सांडू सी। ये 155 टी इन्फेंट्री बटालियन टी ए जैकर सर्विस करते थे रजौरी में तैनात सी। छुट्टी आ रखे थे पहला 15-20 दिन, थोड़ा घर में उन्होंने काम लगा रखा था, काम पूरा नहीं होया तो उसने बात किया यूनिट में कि छुट्टी होर बढ़ाना। मैं जम्मू जाके ट्रांजिट का मैं रिपोर्ट किया, उधर से छुट्टी लेके 3-4 दिन है वापस आए ने। कल शाम को मेरे से बात हुआ उनकी कि मैं बोला कि हाल चाल, कहता ठीक है है। उसके बाद 15-20 मिनट फोन आया मेरे को कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, कि हॉस्पिटल में पहुँचो। जब दोबारा उसी टाइम 5 मिनट फोन आ गया, कहते भी घर में पहुँचो, एक्सपायर हो गया। बहुत ये सर जोड़े तो हीरा नू घर में आ रहे थे, तो रस्ते में आण के मोटर ट्रैक्टर ट्राली गए अनुपसाते थे, जो कि बहुत गलत स्पीड से चला रहे थे, इनको साइड मार के जो मौके पर गिर गए, नाल बच्चा ही और नाल सूबेदार अर्जन सिंह जी ही, इन्हों ट्राली ने टक्कर मारी, दोनों जमीन के गिर गया। बच्चे के भी घुटने में काफ़ी चोट लगे हैं, जो 14-15 स्टिच लगे हैं, और इनके अर्जन सिंह के सिर में ज़्यादा चोट लगी है। मैं यह जो ये सानू घाटा पिया, परिवार को घाटा पिया, यूनिट को घाटा, एक कदे भी पूरा होने वाला नहीं आ। मैं अपनी फौजों जो यूनिट में कल रात 2 IC साहब से बात हुआ, मेरा SM साहब से बात हुआ, वो कहते भी हाँ जो हो गया ठीक है, जो बनता सन्मान अही इनको दूंगा। सुबह आपके पास आदमी पहुंच गए, सवेरे 5-6 JCO और जवान 15-20 आदमी, काफ़ी जवान जो इधर पहुंच गया, काफ़ी हेल्प उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई की है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करूँगा पंजाब गवर्नमेंट से कि जो ये घाटा सूँ पै गया, बहुत ज़्यादा गहराई तक कदे पूरा होने वाला नहीं हो। मैं उम्मीद करता सरकार के भी सूँ तरस के आधार पर दो बच्चे अपनी विद्या पूरी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, इन्हों सरकारी नौकरी देने की अपील कर, लिखती रूप सूँ देन, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਣ ਆਪਣੀ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।